हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धाकर डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया गया था फ्रेंड्स कि अपन लोग 75 डेज के लिए डिफेंस स्पेशल क्लास लेके आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अपन 17 जून से क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, जो कि आपकी एग्जाम एयरफोर्स एक्स एंड बाई ग्रुप और नेवी SSR AA दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, क्लासेस का शेड्यूल कुछ इस तरह है, आप देख लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश की 7:30 बजे शाम को होती है, जीके की क्लास शाम को 8 बजे होती है और साइंस की क्लास 8:30 बजे होती है। डेली फ्रेंड्स ये क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं यानी जनरल नॉलेज की, आज हमारी ये सेकंड क्लास है। और आज इस क्लास में करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एयरफोर्स नेवी एग्जाम्स में जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने जल्दी से वीडियो को शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, नाशाओ कहाँ की राजधानी है। दोस्तों बताना है नाशाओ कहाँ की राजधानी। ऑप्शन है पनामा, बहामा यानी होंडुरास, डोमिनिका या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स बताना है नाशाओ कहाँ की राजधानी है। तो दोस्तों जो नाशाओ है वो बहामास की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी बहामास की राजधानी है। बहामास के बारे में थोड़ा अपन जान लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखेंगे जो नाशाओ है वो बहामास की राजधानी है। और बहामास के बारे में क्या है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देखेंगे। द बहामास उन दो देशों में से एक है फ्रेंड्स, जिसका आधिकारिक नाम द शब्द से शुरू होता है। उसका दूसरा देश जो है द गाम्बिया है। क्या है फ्रेंड्स, द गाम्बिया। और बात करें फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट की, यानी सेकंड पॉइंट में है फ्रेंड्स जो बहामास है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताया गया है। यहाँ पे जो बहामास है वो कुख्यात यानी प्रसिद्ध बरमूडा त्रिभुज है, उसके ठीक किनारे पर बहामास स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बरमूडा त्रिभुज के किनारे पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स बहामास के बारे में, तो नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड, यानी बहामास के पास जहाज़ों की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रजिस्ट्री है। यानी जहाज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, दुनिया के तीसरे नंबर पर जो है वो बहामास के पास हैं। कहाँ पे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे बहामास के पास हैं। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स चौथे नंबर की, जो है बहामास की मुद्रा, यानी बहामास की जो करेंसी है वो फ्रेंड्स डॉलर है। क्या है, बहामास की जो राजधानी है वो नसाओ है। क्या है, नसाओ है फ्रेंड्स। और डॉलर यहाँ की करेंसी है, यानी मुद्रा की बात करें तो डॉलर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह अपन क्वेश्चन एक करते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं। इस तरह अपन 1 से 3-4 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और इस तरह अपन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टर्की की मुद्रा है। दोस्तों बताना है टर्की की मुद्रा क्या है। ऑप्शन है लीरा, यूरो, नायरा, लैक या जुलेटी। बताना है दोस्तों टर्की एक देश है, उस देश की मुद्रा क्या है, टर्की देश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी टर्किस की जो राजधानी यानी मुद्रा है यानी करेंसी है वो है लीरा। फ्रेंड्स लीरा यहाँ की करेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी कैपिटल क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कैपिटल है अंकारा, अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्की। तुर्की की जो वो है ना कैपिटल, वो क्या है, अंकारा है। तुर्की की कैपिटल है अंकारा। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है यानी मुद्रा चलती है वो तुर्किस लीरा चलती है। क्या चलती है, तुर्किस लीरा। लीरा अपन यहाँ पे याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, जो इस्तांबुल है यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, तुर्की की लार्जेस्ट सिटी जो है वो कौन सी है, इस्तांबुल। फ्रेंड्स इतना आपको याद रखना है तुर्की से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया। दोस्तों बताना है 2017 का विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया था, 6 नवंबर, 5 नवंबर, 7 नवंबर या फिर 4 नवंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सप्ताह जो बनाया गया था वो मनाया गया था 5 नवंबर को। कब मनाया गया था जागरूकता दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे देखेंगे, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को सुनामी के खतरों से संबंधित मामलों में दुनिया भर के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और अक्सर विनाशकारी प्राकृतिक खतरों से क्षति को कम करने के लिए
प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर जोर दिया जाएगा। यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जो कि कब मनाया जाता है, हर साल 5 नवंबर को। याद रखना है फ्रेंड्स, डेज वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संसद बाद अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बताना है, संयुक्त राष्ट्र संसद बाद अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 जून, 25 जून, 29 जून, 30 जून या फिर 1 जुलाई। बताना है संयुक्त राष्ट्र संसद बाद अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ए मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यानी 30 जून को। कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संसद बाद अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 30 जून को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे है जो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म वाज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 30 जून 2018। यहाँ पे सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कब मनाया गया था फ्रेंड्स, 13 जून 2018 में मनाया गया था। कब मनाया गया था 2018 में, सबसे पहले 30 जून को मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संसद बाद अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखना है दोस्तों 30 जून को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, उकाई बांध निम्न में से किस राज्य में है। बताना है फ्रेंड्स, उकाई बांध निम्न में से किस राज्य में है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटक। तो फ्रेंड्स जो उकाई बांध है फ्रेंड्स, वो है आपका गुजरात में। कहाँ पे है फ्रेंड्स उकाई बांध, यहाँ पे गुजरात में स्थित है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जो उकाई डैम है वो कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ताप्ती रिवर, कौन सी नदी पर बनाया गया है फ्रेंड्स, ताप्ती नदी पर बनाया गया है, जो कि इज़ द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर इन गुजरात, जो कि लार्जेस्ट सबसे रिजर्वॉयर है गुजरात का। ठीक है फ्रेंड्स, जो उकाई डैम है, उकाई डैम है ना, वो ताप्ती रिवर पर बनाया गया है और ये गुजरात में सबसे बड़ा डैम है, यहाँ पे लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। बताना है दोस्तों, केवला देव जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है। फ्रेंड्स नेशनल पार्क से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम एक पूरी स्पेशल वीडियो इसके लिए लेके आएंगे। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट डेज, इन सब पे अलग अलग टॉपिक पे अपन वीडियोज लेके आएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो बताना है यहाँ पे केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, यानी केवला देव घाना नेशनल पार्क्स है, वो कहाँ पे है, किस राज्य में है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है फ्रेंड्स आपका राजस्थान में। याद रखना है दोस्तों, केवला देव जो है नेशनल पार्क वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। यहाँ पे नोट है, यहाँ पे देखना है, ये है, इंडिया इज़ अ फेमस एविफोना सेंचुरी दैट होस्ट थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। याद रखना है दोस्तों, नेशनल पार्क जो है केवला देव कहाँ पे है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, बगलिहार पन बिजली विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों बताना है, बगलिहार पन बिजली विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है। बगलिहार पन बिजली विद्युत परियोजना, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो बगलिहार पन बिजली विद्युत परियोजना है वो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। और फ्रेंड्स जो बगलिहार डैम है ना, वो आल्सो नोन एज बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इसे फ्रेंड्स दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कौन सी नदी पर बरकर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी पर है, चिनाब रिवर पर है। चिनाब रिवर जो कि कहाँ पर है, साउथर्न डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि चिनाब रिवर है ना वो डोडा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में डोडा डिस्ट्रिक्ट के साउथ पार्ट में चिनाब नदी है, उसके ऊपर जो है बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है बगलिहार परियोजना कहाँ पे है, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है। दोस्तों बताना है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई,
कोचीन, डिगलीपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। जो फ्रेंड्स वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना फ्रेंड्स, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे है द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अ कस्टम एयरपोर्ट लोकेट एट द साउथ ऑफ पोर्ट ब्लेयर एंड इज द मेन एयरपोर्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स ऑफ इंडिया। और जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स का जो मेन पोर्ट है वो है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थल फवाकुट महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? ये आपको बताना है, थल फवाकुट महोत्सव किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। थल फवाकुट महोत्सव, ऑप्शन है आसाम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। जो दोस्तों थल फवाकुट महोत्सव है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई यानी मिजोरम से संबंधित है। फ्रेंड्स कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर, यानी थल फवाकुट फेस्टिवल जो है वो मिजोरम से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है थल फवाकुट फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड एट एजुअल इन मिजोरम। जो मिजोरम की जो राजधानी है वो फ्रेंड्स क्या है? एजुअल है। क्या है फ्रेंड्स? एजुअल है। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे मिजोरम की जो राजधानी है वो एजुअल है। और यहाँ पे जो है द 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये 3 दिन का फेस्टिवल है होता है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, द फवाग थल फवाकुट इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है फ्रेंड्स, विच इज सेलिब्रेटेड आफ्टर हार्वेस्टिंग द पैडी। यहाँ पे जो थल फवाकुट फेस्टिवल जो होता है वो हार्वेस्टिंग यानी फसल एक होती है पैडी, उसकी कटाई के बाद ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो कि मिजोरम में किया जाता है एजुअल शहर में। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से बाहरीन की राजधानी कौन सी है? बताना है दोस्तों निम्न में से बहरीन की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन है दोहा, एमस्टर्डम, मिन्स्क, सोफिया या फिर मनामा। जो फ्रेंड्स बहरीन की राजधानी है वो है आपकी मनामा। कहाँ पे है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ई यानी मनामा है। बहरीन की राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स? मनामा है। याद रखना है दोस्तों, मनामा इज़ द कैपिटल ऑफ बहरीन। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है फ्रेंड्स बहरीन की, जो करेंसी है वो है दिनार। क्या है फ्रेंड्स? दिनार। और यहाँ की मनामा इज़ द कैपिटल एंड यहाँ की करेंसी क्या है? दिनार। तो आपको याद रखना है बहरीन से यहाँ पे मनामा इसकी कैपिटल हो जाएगी और दिनार इसकी मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ओमान सल्तनत की मुद्रा क्या है? दोस्तों बताना है यहाँ पे ओमान सल्तनत की मुद्रा क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे ओमानी रेंड, ओमानी रियाल, ओमानी दिनार, ओमानी गिल्डर या फिर ओमानी शिलिंग। तो बताना है दोस्तों ओमान सल्तनत की मुद्रा कौन सी है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ओमानी रियाल जो है यहाँ की मुद्रा है। ओमानी सल्तनत की जो मुद्रा है वो है ओमानी रियाल। फ्रेंड्स इससे यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे ओमान की मुद्रा है कौन है? ओमानी रियाल है। और ओमान की राजधानी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे मस्कट है। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, क्या याद रखना है अपन को? दो चीज़ याद रखनी है, ओमान की जो मुद्रा थी वो ओमानी रियाल है और ओमान की राजधानी की बात करें तो फ्रेंड्स ओमान की राजधानी है मस्कट, याद रखना है दोस्तों। और नेक्स्ट यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट पे देखेंगे क्या है, ओमान सबसे पुराना अरब देश है। अरब देश है, सबसे पुराना अरब देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो याद रखना है ओमान है। आमतौर पर यह शांतिपूर्ण देश अरब सागर, यमन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से घिरा हुआ है। इन देशों से यहाँ पे यह घिरा हुआ है। और ओमान अपने तेल भंडार, कृषि और मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स तेल भंडार और कृषि मत्स्य पालन अधिक होता है यहाँ पे, तो इसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यहाँ पे, देश के अधिकांश लोग इस्लाम के इवादी संप्रदाय का अनुसरण करते हैं। यहाँ पे इस्लाम धर्म ज़्यादा माना जाता है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने की अनुमति देता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है यहाँ पे, क्योंकि इस्लाम धर्म ज़्यादा आबादी का है, यहाँ पे अधिकांश लोग इस्लाम के हैं और यहाँ पे महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है अन्य देशों के
हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना है ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगी, ओमान की मुद्रा है वो रियाल हो जाएगी, इतना से आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स बताना है आपको राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 नवंबर, 30 अप्रैल, 15 अक्टूबर और 20 नवंबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है फ्रेंड्स वो मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 26 नवंबर। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड यानी ऑब्जर्व ऑन 26 नवंबर इस 2015 अक्रॉस इंडिया टू मार्क 94th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जो फ्रेंड्स डॉक्टर वर्गीज कुरियन से इन्होंने दूध को यानी बढ़ावा देने के लिए यानी नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है यहाँ पे, इन्होंने वाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था यानी श्वेत क्रांति इन्होंने डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने यहाँ पे शुरुआत की थी श्वेत क्रांति की, इससे दूध को बढ़ावा देने के लिए। और इसी के लिए अपन 26 इनके जन्म दिवस को अपन 26 नवंबर को मनाया गया था यहाँ पे, नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं इनके बर्थडे को। तो यहाँ पे याद रखना है आपको नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2018 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2018 का विषय आपको बताना है। ऑप्शन है युवाओं के लिए सुरक्षित स्थान यानी सेफ स्पेस फॉर यूथ, या फिर फ्रेंड्स युवा निर्माण शांति यानी यूथ बिल्डिंग पीस, या फिर युवा और मानसिक स्वास्थ्य यानी यूथ एंड मेंटल हेल्थ, या फिर युवा और नागरिक जुड़ाव यानी यूथ एंड सिविक मैनेजमेंट, या फिर अपनी दुनिया बदलें चेंज योर वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स 2018 यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो था उसकी जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए यानी युवाओं के लिए सुरक्षित स्थान सेफ स्पेस फॉर यूथ। तो फ्रेंड्स यहाँ इस वर्ष की यानी 2018 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम थी यानी विषय था वो क्या था? सेफ स्पेस फॉर यूथ, याद रखना है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और जो फ्रेंड्स जो है थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2018 इज सेफ स्पेस फॉर यूथ, याद रखना है। और जो इंटरनेशनल यूथ डे है फ्रेंड्स यानी युवा दिवस है वो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 12 अगस्त को, सॉरी। जो युवा दिवस है फ्रेंड्स इंटरनेशनल यूथ डे है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमहाद्री सुपर तापीय ऊर्जा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताना है दोस्तों सिमहाद्री सुपर तापीय ऊर्जा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स सिमहाद्री सुपर तापीय ऊर्जा केंद्र जो है वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है फ्रेंड्स? यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी सिमहाद्री सुपर तापीय ऊर्जा केंद्र जो है सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वो है विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर ये पावर प्लांट बनाया गया है। और इसकी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम कैपेसिटी है और पावर प्लांट 2000 मेगावाट का है। कितने वाट का है? 2000 मेगावाट का है फ्रेंड्स। तो इसका नाम क्या है? सिमहाद्री सुपर तापीय ऊर्जा, जो कि आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस शहर में स्थित है? बताना है दोस्तों राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, डुमना, ग्वालियर या फिर सतना। तो राजा भोज हवाई अड्डा जो है फ्रेंड्स वो है आपके भोपाल शहर में। तो कहाँ पे है फ्रेंड्स राजा भोज हवाई अड्डा? भोपाल में है फ्रेंड्स, याद रखना है राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में स्थित है। देखेंगे यहाँ पर, राजा भोज एयरपोर्ट इज इन भोपाल और मध्य प्रदेश। इट इज़ द सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन मध्य प्रदेश आफ्टर देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट इन इंदौर। तो फ्रेंड्स ये सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का। पहले नंबर पे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है मध्य प्रदेश का वो है देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट, जो कि इंदौर में है। और द एयरपोर्ट इज नेम आफ्टर द 10th सेंचुरी परमवीर किंग राजा भोज। यहाँ पे इसको नेम दिया गया था 10वीं सेंचुरी के बाद राजा भोज। यहाँ पे एयरपोर्ट है भोपाल में। और बात करें देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो है इंदौर में है। कहाँ पे है? इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथोन बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताना है मैथोन बांध।
दोस्तों जो मैथोन बांध है वो किस राज्य में स्थित है आपको बताना है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स जो मैथोन बांध है वो है आपका झारखंड में। याद रखना है दोस्तों, मैथोन डैम इज लोकेटेड इन मैथोन 48 किलोमीटर फ्रॉम धनबाद इन द स्टेट ऑफ झारखंड। धनबाद 48 किलोमीटर फ्रॉम धनबाद से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मैथोन में, और ये स्टेट कौन सा है, झारखंड। तो याद रखना है मैथोन बांध झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अचान कमार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। अचान कमार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो अचान कमार वन्य जीव अभयारण्य है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन इंडियन सेंचुरी इन मुंगली डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ राज्य में मुंगली डिस्ट्रिक्ट यानी मुंगली जिले में है अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शेख जायद स्टेडियम एक क्रिकेट ग्राउंड है जो निम्न में से किस शहर में स्थित है, बताना है आपको। शेख जायद स्टेडियम एक क्रिकेट ग्राउंड है जो किस शहर में स्थित है, अबू धाबी यूएई में, दुबई यूएई में, कराची पाकिस्तान में, लाहौर पाकिस्तान में, या फिर हैदराबाद भारत में। सो फ्रेंड्स, शेख जायद जो स्टेडियम है वो है आपका अबू धाबी यानी यूएई में स्थित है। कहाँ पे है फ्रेंड्स, शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित क्रिकेट मैदान है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो जो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है फ्रेंड्स वो है आपका हरियाणा में। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, हरियाणा इसका सही जवाब होगा, यानी भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है आपकी झज्जर डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। झज्जर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा, वहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, आज का अंतिम क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है, बताना है दोस्तों। लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन है यमुना, गंगा, गोमती, सोन और चंबल। दोस्तों बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है। सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश में द बैंक ऑफ गोमती रिवर, कहाँ पर लोकेट करता है ये, गोमती नदी के किनारे लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है फ्रेंड्स, जो है जो के गोमती नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम यफुज नेवी एसएसआर सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि पूछे जाते हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स। 75 डेज तक आपको डटे रहना है फ्रेंड्स, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक किया करो और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें फ्रेंड्स। इसके बाद अभी साइंस की क्लास होने वाली है फ्रेंड्स, इसमें आपको यूनिट एंड डाइमेंशंस का चैप्टर पार्ट सेकंड होगा। इससे पहले पार्ट वन अपन ने कल कर लिया था, तो उसको भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी 8:30 बजे।